बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज सुबह सुबह हम लोग सिलगुड़ी होटल में सोया हुआ है। अभी हम लोग रेडी होके फिर शॉपिंग करने जाएंगे। एक आदमी क्रीम इधर क्रीम लगा रहा है दोस्त, और एक दोस्त से देखो मोटा सुआ इधर सोया पड़ा है। तो आज हम लोग मस्ती करेंगे 3 दिन तक, फिर उसके बाद पहुंच जाएंगे साहब के घर, उधर भी बहुत मस्ती करेंगे। तो अभी हम लोग रेडी हो गया। ये ना लिया, मैं थोड़ा गंदा आदमी हूँ ना, मैं अभी नहीं नहाया हूँ, अभी बाद में नहाऊँगा। तो वो भी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ ना तो नहीं नहाएंगे। मैं सिर्फ रात को नहाने का शौकीन करता हूँ, सुबह इतना आलसी लगता है ना उठने में। तो देखते हैं गाइस, अभी बने रहे मेरे वीडियो में, उसके बाद चलते हैं नहाने के लिए। रेडी फ्रेश हो जाऊंगा, फिर उसके बाद मिलते हैं और शुरू करते हैं आगे आज का कैसा दिन जाएगा और क्या क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो मिलते हैं आगे। शॉपिंग करने, ओ देखो मेरा दोस्त है, वो कुर्ता उठा रहा है। A few moments later, फ्रेश हो गया, रेडी हो गया। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सुजुआ नाश्ता कर रहे हैं, हमारा नाश्ता रेडी है। लोग माँ वो है, वो लोग होटल में खा के आगे हम लोग को सिर्फ ले गया है शाम, और मेरे में अकेला भोका बन गया। अभी खा रहे हैं, अभी ये हमारा आज का नाश्ता है। मिर्ची फ्राई दे रहे हैं, छोला दे रहे हैं, ये देखिए अचार भी दे रहा है, अचार भी खा रहे हैं, लेकिन छोला दे रहे हैं, छोला तो खाना ही पड़ेगा। साहब कहाँ चला गया रे। अभी हम लोग ये पूरी खा के फिर आगे जाके कुछ और शिवा मार्केट में, और हम लोग को शॉपिंग मिल गया। सुजू ने क्या खरीदा था, क्या नाम है उसका, पंजाबी ड्रेस हम सब ने एकदम, दोनों तीन है हम लोग, तीनों आदमी, एक साहब भी है, हम सब लोग एक जैसा एकदम ड्रेस करते हैं। साहब को शादी में जाने एकदम बहुत खुश हो जाएंगे जो भी देखेगा। पंजाबी पंजाबी ड्रेस है, लेने के लिए कहाँ आना था, कंचनजंगा स्टेडियम के पास में ना। हाँ उधर मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, जो चीज़ ढूंढेंगे वो चीज़ मिल जाएगा। आप आइए मार्केटिंग कीजिए और देख लीजिए हम लोग कहाँ कहाँ आए हैं, सब देखेंगे ना। अभी चाय पानी पी लिया, गर्म ज्यादा लग रहा है, गर्मी एक घंटा रुकेंगे और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे ना। निकलेंगे उसके बाद आप लोग ऐसे मार्केटिंग कीजिए, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। बंदे लोग का चपली वपली नहीं बोल रहे, तो गिनीस जूता और चपली लेगा इधर से। तो देखे अभी मेरा तो नहीं लेना है, वो लोग को नहीं लेके आया, मैं तो वो करते सुरजू भी लेगा चपली, बिनीस भी लेगा। हाँ हाँ ले रहे भैया, नंबर छोटा पड़ गया, दो आदमी बड़ा है ना, नंबर कैसे मिलेगा मेरे। हाय हेलो गाइस, शॉपिंग करते हुए मार्केट रहे हैं, दुकान पर खड़े ऐसे चप्पल ले रहे हैं, फिर हम लोग ये अच्छा लगा अभी इसको, ये जूता अच्छा है। का शादी में भी इधर ले आएंगे शॉपिंग करने, मेरा भी शादी होगा तो इधर आएंगे शॉपिंग करने, दोस्त लोग को सबको लेके आएंगे, जो जो दोस्त आए हैं। अभी शॉपिंग वगैरह हो गया, सिलीगुड़ी मार्केट करते हुए शॉपिंग वॉकिंग हो गया। अभी साहब लोग घूम हो गया, नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया पता नहीं। हम लोग झगड़ा करने गया था बिनीसर में, फिर डर से भाग गया भाई, हाँ पैसा ज़्यादा ले लिया था। फिर हम लोग वापस करने गया, दूसरा दुकान में पूछा तो थोड़ा वही कपड़ा थोड़ा कम में था, तो फिर वापस नहीं किया। कोई नहीं, फिर अगली बार से वहाँ वही दुकान पे नहीं आएंगे हम लोग, है ना। 5000 का चूना लग गया, 5000 का चूना लग गया, हाँ चूना लगा दे भाई 5000 का हमको। और वो दुकान चूना लगाने वाला कौन सा है, कौन सा है, पीछे पीछे चल गया ना, पंजाब हाउस, चूना लगा दिया। कोई बात नहीं, फिर अगली बार से नहीं लगा पाएगा, अभी पता चल गया। हाँ सब दुकान में पूछ पाछ के फिर बाद में जाना शॉपिंग करने। हाँ हाँ पहले लोग जो है ना बहुत साथ दिमाग है इनका, ये जो है काटने के चक्कर में लोगों को बड़ी मीठी और प्यारी बातें करते हैं, उसके बाद जो है लेने के बाद बोलते हैं नो एक्सचेंज, कोई पेपर नहीं करता पैसे से, बोला कम उसके साथ। फिर बोलते कपड़ा की जो है क्वालिटी देखो, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की बातें, बहुत गंदा गंदा इनका जो है विचार है। ऐसा कस्टमर को पहले जो है बहुत दहला फुसला के अपना
दुकान को जो है कपड़ा जो है सेल कर देते हैं, फिर जो है बंदा लेके जाता है इधर उधर, कंप्रोमाइज करता है, मेहनत करता है, देख पूछता है ये पैसा कितना है, क्वालिटी क्या है, तो देखा तो 5 से 4 हज़ार फर्क, मतलब पैसे में कपड़ों में लेने में फर्क पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अभी एक बार ले लिया तो उतने में वो धनी नहीं बन जाएगा ना, 5-6 हज़ार में, है ना भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम लोग दिलदार आदमी है, देने वाला आदमी है, हम लोग लेने वाला नहीं, हम टेंशन नहीं ले लेगा देने का इन लोगों को। हाँ, अभी देखो हम लोग का गाड़ी इधर है, गाड़ी पूरा गंदा हो रखा है, तो अभी हम लोग निकल जाएंगे 1-1.5 घंटे के बाद, खाना वाना खा के ना, है ना, इसको अंदर रख देते हैं। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे, क्या करें गाइस, अभी 5 हज़ार चुना लग गया, कोई बात नहीं, दिल में कोई दिलासा नहीं, खुश रहेंगे हम लोग, अच्छी 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 मार्केट है, परचेज करते कपड़े, और इन्होंने चूना लगा दिया यार हमको, जो है सिलीगुड़ी के अंदर सबसे मानी हुई पंजाबी हाउस जो है, पंजाबी हट जो उनमें क्लॉथिंग दुकान जो है, उसने सोचा बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ से कपड़ा की जो है और जगह से प्रेफर करने से लगा कि यहाँ अच्छी क्वालिटी मिलेगी, पर यहाँ क्वालिटी तो बोलता है कुछ, करता कुछ है, दिया कुछ है, और जो है देखा इधर उधर जाके तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा काट लिया भाई, एक एक सूट 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार का लिया है, उसमें तो बहुत हम लोगों को घाटा लॉस किया है, बहुत कुछ पूछो मत, किसको बोले, ये लोग बहुत साथ दिमाग है भैया, इनसे बच के रहो, अलर्ट रहो, और जो है सावधान हो भैया, ठीक है भाई। अभी हमारा शॉपिंग वॉपिंग हो गया, कैसा भी हो गया, फिर सामान भी मिल गया, तो अभी आप लोग पता नहीं उधर गया था तो आ रहा होगा, तो अभी हम लोग अभी 1.5 घंटा के बाद हम लोग इधर से निकल जाएंगे असम के लिए, तो अभी हम लोग का शॉपिंग वॉपिंग हो गया गाइस, अभी मिलते हैं, बने रहे मेरे वीडियो में, और आगे क्या क्या होता है मैं दिखाते रहूँगा, मिलते हैं आगे वीडियो में। 7 hours later हम लोग पहुँच गए असम, असम बॉर्डर क्रॉस किया, अभी यहाँ से और 15-16 घंटा लगेगा, तो अभी हम लोग ने तेल भराया और उधर फुल करके आया था, इधर गया आपका 28-29 लीटर चला गया, अभी पेट्रोल पंप में तो 5-10 मिनट ब्रेक करेंगे, और साफ वॉशरूम गया है, दोनों फ्रेंड भी वॉशरूम गया हुआ है, मैं जाके आ गया, अभी तेल सेल भर दिया, अभी इधर से 5-10 मिनट के बाद फिर निकल जाएंगे हम लोग, है ना, तो अभी गाइस आगे मिलते हैं, दरवाज़ा खुला है, वो दरवाज़ा लगा गया, तो गाइस अभी हम लोग आश्रम पहुँच गया, तो रास्ते का तो उतना व्यू देखा नहीं पा रहा हूँ, अभी रात भी हो गई, क्या देखना अच्छा ले आएगा, तो अभी बिनिश और मैं वॉशरूम जा गए गाइस, हम अभी असम पहुँच गए, एंट्री हो गई हमारी असम, खुश बिनिश बहुत खुश हो गया, अभी असम पहुँच गया, असम पहुँच गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, गाड़ी बहुत अच्छी चलाती है, और अभी इधर से निकल जाएंगे और साफ आ रहा है, चलते हैं गाइस। हेलो गाइस, हाय, हम असम पहुंच गए, असम बंगाल बॉर्डर क्रॉस हो गया, ये अपना बलेरो गड्डी खड़ा है, वो भाई लोग चाय पीने गया, रमेश भाई साहब, सोजी भाई, और हम जो है इधर हाईवे के पास अपना गाड़ी खड़ा करके ब्लॉग बनाने लगा आप लोगों की, कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए, भाइयों इधर का नज़ारा देखो, क्या नज़ारा है इधर, और आप लोग कुछ लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, फॉलो करो, अच्छी इतनी मेहनत से इतनी दूर आगे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल का काम है भाई लोगों, हाँ गाइस, आप लोगों की सपोर्ट से ये जो है इतना जो हम कष्ट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होगा आप लोगों का भी हमारा भी, और इतनी दूर आके हम लोग जो है काफ़ी मशक्क़त और कष्ट के साथ, चलो अच्छा है, और गाइस हाय हेलो ओके बाय। 4 hours later अभी हम लोग बार बेटा टाउन में पहुंच गए असम का, तो अभी रात भी बहुत हो गया, 11 बज गया अभी तक ड्राइव कर रहा हूं मैं, तो अभी इधर थोड़ा ब्रेक किया है 1.5 घंटा जैसा, गाड़ी भी थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो इसलिए मैं इधर बैठा हूं और बाकी लोग थोड़ा
कुछ खाने के लिए गया है, क्योंकि मेरा आज सारा थे माँ का, तो मैं इसलिए आज नहीं खाऊंगा, तो इसलिए मैं इधर ही बैठा हूँ। गाड़ी भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग आधा घंटा के बाद निकल जाएंगे गाइस इधर से बारपेटा टाउन से। तो अभी हम लोग बारपेटा टाउन आसाम में हूँ, तो अभी इधर से आगे निकल जाएंगे गाइस। और बीच में मैं अपडेट, मतलब अब बीच में मैं आपको बताते रहूँगा। और ये गांव शहर ऐसा है, मतलब ये शहर ऐसा है, बीच में आप लोगों को अपडेट बताते रहूँगा। तो गाइस अभी हम लोग बारपेटा सिटी में पहुँच गए, तो अभी रात भी बहुत हो गया, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो बारपेटा टाउन और हमारा गाड़ी इधर है, गर्म हो गया होगा अभी इधर, ऐसा है सिटी। उतना मेरे को भी आइडिया नहीं है गाइस, मैं भी पहली बार आया हूँ, तो अभी उतना आइडिया नहीं है। हम लोग भी मैप देख के चल रहे, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे फिर। The next day है ये? पता नहीं मेरे को, क्या पता है। हम लोग यहाँ सुबह का चाय, सुबह का 5 बज गया है, चाय पी रहे हैं। अभी और आगे जाएंगे तो चाय नाश्ता तो सब करेंगे। हमारा साहब भी इधर हैं, चाय पी रहे हैं, हम लोग सब लोग पी रहे हैं। ठंडा है लेकिन फिर भी खूब खूब क्या पी रहे हैं। रात भर हम लोग दौड़ा पूरा, बिना स्टॉप के, बिना सोए रात भर दौड़ा। अभी इधर रुक के थोड़ा लंच वंच करेंगे, कुछ खाना वाना खाने जा रहे हैं, फिर दौड़ेंगे गरम। और एक घंटा का टाइम है, खाने के बाद थोड़ा देखो कैसे चेहरा आ गया मेरा बड़े भैया को, खाने के बाद अच्छा चेहरा आ जाएगा, बोलने का भी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग होटल में आए हैं, खा रहे हैं, अभी भैया खाना लगाने गए हैं, उसके बाद खा कर फिर चलेंगे। एक घंटे का और टाइम है, एक घंटे के बाद आसाम पहुँच जाएंगे। जाते मैं तो 8 बजे उठूंगा सुबह शाम। अभी जाके ही सो जाएंगे, बाय भैया। हेलो गाइस, हम लोग आ गए तेजपुर में। हम लोग 2 बजे पहुंच गया था, रात भर गाड़ी चलाया और 2 बजे तक, अगले 2 बजे से, 2 बजे से दिन का 2 बजे से आज दिन 2 बजे तक गाड़ी चलाया, रात भर चलाया। तो आते थोड़ा फ्रेश व्रेश होके खाना खा के सो गया था, अभी जस्ट उठ के फिर थोड़ा ऐसे बाहर बाजार घूमने के लिए, हाँ टहलने के लिए। और सूरजू और मैं आया, बीच तो सोया है, पूरा कुंभकर्ण की तरह सो के बैठा हुआ है। तो हम दोनों आया है अभी इधर देखते हैं। हाँ ये लाइटिंग बढ़िया लगाया है ना। हाँ और सूरजू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने में बढ़िया लग रहा है। साहब के पास आया, बहुत मज़ा आया, दिन में भी घूम लिया, गाड़ी में किया बहुत, फिर उसको शाम को भी अच्छा से नहा धोवा कर आए घूमने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा जगह है घूमने लायक, आप लोग भी घूमने के लिए आ सकते हैं धर्मनगर पर। और इसमें नजदीक में फुटबॉल ग्राउंड है, ये देखो आदमी लोग, फुटबॉल ग्राउंड है, बच्चे लोग खेल रहे हैं। क्या स्टेडियम है क्या ये? इसके अंदर हाँ, अरे देखो फोटो खींचने लाइक का जगह पे आ गए रे। देखो तालाब, अरे तालाब है रे, चलो उधर उधर जाके देखते हैं ना। शंकर जी, ये देखिए गाइस, शंकर जी बीचों बीच बैठा हुआ है पानी का। ये बड़ा तालाब है, तालाब के बीच में शंकर जी का, भगवान का मूर्ति बनाया हुआ है। ये धर्मनगर पे है, त्रिपुरा का धर्मनगर पे, बहुत बड़ा जगह पे तालाब पे है और बीचों बीच शंकर जी का मूर्ति बैठा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। अभी आप लोग इधर आके दर्शन कर सकते हैं हमारा शंकर भगवान का। ये देखो मंदिर, अपोजिट साइड में मंदिर है और बड़ा बाजार है। तो गाइस अभी हम लोग ने अभी इतना ही किया आज के लिए, अभी रात भी हो गया,
तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर आए तो इधर शंकर जी का बड़ा मंदिर देखने को मिला, ये धर्मनगर पे बहुत बड़ा मंदिर, बहुत अच्छा है, आप लोग भी इधर आके दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस अभी आज का वीडियो इधर तक ही बना, तो अगले वीडियो बनेंगे कल से, फिर आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइस। बाय बाय।